लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट के जिम्मेदार खुद चिराग पासवान है। उन्होंने अपनी झोपड़ी में खुद ही आग लगाई है, ऐसा कहना है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का। दरअसल बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये कहते हैं कि जदयू का ये सारा कराधराया है, जो भी टूट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हुई है, वहीं दूसरी तरफ जदयू के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि एलजेपी में जो भी फूट हुई है उसके लिए जिम्मेदार खुद सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। आप उमेश कुशवाहा के पूरे बयान को सुनिए। क्रेडिट जदयू को दी जा रही सर, क्या मतलब कर रहा है इनका नाली कुछ और? ये तो एक तो लोजपा के अंदरूनी मामला है, इस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे खुद चिराग पासवान की गलती के कारण एलजेपी में टूटी है, वो अपने घर में झोपड़ी में खुद को आ गए। तो एक मिनट सर, पशुपति पारस भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे हैं और चिराग पासवान जो है मोदी को अपना हनुमान अपना बता रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं, अच्छे कौन है? अब देखिए, आप देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को जो एक ऊँचाई दी है, उनका जो विजन है, विजन के कारण जो है आज बिहार इतने विकास की गति पर है, और उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी पर जो लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने अच्छा ही मैंने इसमें विकास के लेके सब लोग चर्चा करते हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में सब लोग विकास पुरुष के रूप में संज्ञान देते हैं। तो आप एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को मान रहे हैं या पशुपति पारस को? देखिए, जिनके साथ है उनका अंदरूनी मामला है, उस पर तो हमसे ज़्यादा विवेचना जो है उस पर वही लोग व्यक्त करेंगे जो भाजपा के लोग हैं। आपने सुना उमेश कुशवाहा के पूरे बयान को। पिछले दिनों जिस तरीके से पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, उसका उमेश कुशवाहा ने समर्थन किया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक तरफ चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताते थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी मौका नहीं छोड़ते थे उन पर तंज कसने का। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि जो कुछ भी लोक जनशक्ति पार्टी में हो रहा है उसका बदला लिया है जदयू ने। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।